स्वागत है आप सभी का। अजी ठहरो जरा देखो कुछ सोचो जरा समझो। अजी ठहरो जरा देखो कुछ सोचो जरा समझो। तेरा नाम टूट गया जब दिल तू जीने से क्या काम। हम तो चले जो कहा सुना हो माफ कर देना। जाते हो जाने जा जी। सुनिए जरा सुनिए ऐसे नादा मत बनिए। हम तो कट जाएंगे अब गाड़ी के नीचे। वो आने वाली है दो घंटे के पीछे। ऐसा है तो हाथ लगा कर हमको उठाना। लेटे रहिए मौसम है सुहाना। आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। अजी दो पल रुक जाना ये हंसेगा ये जमाना। हमने तो कर ली है चलने की तैयारी। डब्बे में पानी था तेल नहीं था प्यारी। माचिस में भी आग नहीं है कैसा जमाना। ओ लाइटर से चलाना। आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। मरने
ऐसा है तो फिर जाने जाना, प्यार का सलाम लेते जाना, हमको भी यार ना बुलाना, प्यार का सलाम लेते जाना, ऐसा है तो फिर जाने जाना, परवरिश फिल्म से था ये गीत जिसे आवाज दी थी आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार और आरती मुखर्जी ने। बंगाली सिनेमा हिंदी सिनेमा की तरह बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावशाली रहा है। बंगाल से अनेक कलाकार हिंदी फिल्मों में आए और उन्होंने खूब नाम कमाया। कई ऐसे गायक और गायिकाएं भी आए जिन्हें बांग्ला संगीत की तरह हिंदी फिल्म संगीत में भी खूब सराहा गया। आज कलाकार बेमिसाल में बातें एक ऐसी शानदार गायिका की जिन्होंने बंगाल से हिंदी सिनेमा में आकर एक बहुत ही खास पहचान बनाई गायकी में। नाम है आरती मुखर्जी। आएगा आएगा आएगा, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगा आएगा आएगा, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। उलझन पड़ गई आज तो हम पर हो गई गुस्से, कैसी आफत पड़ गई तेरे दिल की बात मैंने जान ली, छम छम ये चाल पहचान ली। आइगो आइगो आइगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आइगो आइगो आइगो, ये क्या हो गया। जब तू बिगड़े और हंसी हो,
गुस्सा लागे प्यारा, एक बात ने जीता हमको एक बात से हारा। झगड़ा न कर तो अरे मान जा, अपना समझ तो अरे जान जा। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखो भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या 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 हो गया। रफी साहब और आरती मुखर्जी की आवाज में आपने सुना ये गाना बॉयफ्रेंड फिल्म का। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, और आज बातें हो रही हैं गायिका आरती मुखर्जी की। आरती मुखर्जी, जिन्हें आरती मुखोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, आरती का जन्म ढाका बांग्लादेश में हुआ था और उन्हें बचपन से ही गायकी से बेहद लगाव था। वे लता मंगेशकर से बहुत प्रभावित थीं और छोटी सी उम्र से ही उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया था कि वे एक दिन मुंबई जाएंगी और लता मंगेशकर की तरह मशहूर गायिका बनेंगी। रुक जाओ अरे जाने वालों, हाय रुक जाओ अरे जाने वालों, दिल तोड़ के जाना ठीक नहीं। रुक जाओ अरे जाने वालों, दिल तोड़ के जाना ठीक नहीं। फैला कर प्यार की बाहें, हम रोक रहे हैं राहें। लाए जो खजाना, लाए जो खजाना, लाए जो खजाना, खुशियों का यारों से छुपाना ठीक नहीं। यारों से छुपाना ठीक नहीं, यारों से छुपाना ठीक नहीं, यारों से छुपाना ठीक नहीं, यारों से छुपाना ठीक नहीं। माना के खजाना, ओ माना के खजाना, खुशियों का यारों से छुपाना ठीक नहीं। माना के खजाना, खुशियों का यारों से छुपाना ठीक नहीं। ये आपने क्या फरमाया, अपना तो दिल घबराया, कुछ और हमारे, हमारे कुछ और हमारे, हमारे कुछ और हमारे पास नहीं। दिल है सो लुटाना ठीक नहीं, 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 दिल है सो लुटाना ठीक नहीं। रुक जाओ अरे जाने वालों, दिल तोड़ के जाना ठीक नहीं। Thank you.
सराते हुए आंचलों में खूबसूरत से चेहरे दिखाओ। हमारा तुम्हारे लिए है, तीर नजरों के कस कर चलाओ। अरे छोड़ो बेकार की छोड़ो बेकार की बातों को, इन बातों में आना ठीक नहीं। छोड़ो बेकार की बातों को, इन बातों में आना ठीक नहीं। इन बातों में आना ठीक नहीं, इन बातों में आना ठीक नहीं, इन बातों में आना ठीक नहीं, इन बातों में आना ठीक नहीं। रुक जाओ अरे जाने वालों, दिल तोड़ के जाना ठीक नहीं। सदा तुम हो, दर्द दिल की दवा तुम हो। किस तरह तुमको जाने दें कि हमारे खुदा कह रहे हो। तौबा तौबा ये क्या कह रहे हो, आदमी को खुदा कह रहे हो। तौबा तौबा ये क्या कह रहे हो। मोतियों से भरा मन तुम्हारा, हाँ हम ना छोड़ेंगे दामन तुम्हारा। दोस्त तो इम्तिहान की घड़ी है, हर कदम पे मुसीबत खड़ी है। यूं ना बातें बनाओ, कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ। बेवजह तकल्लुफ फरमा कर, समझे, बेवजह तकल्लुफ फरमा कर भूखे मर जाना ठीक नहीं। बेवजह तकल्लुफ फरमा कर भूखे मर जाना ठीक नहीं। भूखे मर जाना ठीक नहीं, भूखे मर जाना ठीक नहीं, भूखे मर जाना ठीक नहीं, भूखे मर जाना ठीक नहीं। रुक जाओ अरे जाने वालों, दिल तोड़ के जाना ठीक नहीं।
की हलचल और इस पर भी तुम और इस पर भी तुम गर न मानो तो रोक लेगा ये आँख का काजल रोक लेगा ये आँख का काजल तेरे काजल के सदके तेरी पायल के सदके तेरी काजल के सदके तेरी पायल के सदके नाजनी तेरे सदके तेरे आंचल के सदके छोड़ो ये सदके बदके हुस्न से रहना बचके हुस्न तो धोखा है हवा का झोंका है हुस्न तो धोखा है हवा का झोंका है यहाँ हर शय हसी है नहीं कुछ भी नहीं है हर नजर मेहरबा है ये झूठी दास्ता है केसुओं की घटा है घटा से हमको क्या है सभी कुछ तो यहाँ है मगर मंजिल कहाँ है मान जाओ 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 मान जाओ 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 मेहरबा मान जाओ दिल हमारा ना दुखा हम लोग तुम्हारे अपने हैं हम लोग तुम्हारे अपने हैं अपनों को सताना ठीक नहीं हम लोग तुम्हारे अपने हैं अपनों को सताना ठीक नहीं इस गांव से बिस्तर बोल करो अब देर लगाना ठीक नहीं इस गांव से बिस्तर बोल करो अब देर लगाना ठीक नहीं रुक जाओ अरे जाने वालों दिल तोड़ के जाना ठीक नहीं हिम्मत है मेरे पास ताकत है मेरे पास अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास मच्छरों को अब सबक सिखा दो खतरा हो कहीं बटन दबा दो बल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके यही नहीं एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी अपने कैलेंडर में 31 जुलाई 2023 मार्क कर लीजिए यह है आयकर विवरणी भरने की आखिरी तारीख तो देर ना करें जल्द से जल्द अपनी आयकर विवरणी भरें क्योंकि आयकर भरने से होता है देश का निर्माण और हमें होते हैं ढेरों फायदे रिफंड्स जल्दी आते हैं लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लोन्स क्रेडिट सुविधाएं वीजा के लिए आसानी हो जाती है इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं देनी पड़ती साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी विदेश में संपत्ति या आय है तो फॉरेन एसेट और फॉरेन सोर्स इनकम स्केड्यूल भी जरूर भरें तो आइए मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं वे व्यक्ति व संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है अपना इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य ई फाइल करें 31 जुलाई 2023 तक ITR ई फाइलिंग के लिए incometax.gov.in पर जाएं भैया जी सारी तैयारी कर लिया अपने गोपाल की शादी की लच्छू सब संभाल रहा है वहाँ बात की परिवार नियोजन भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम वाह जब बहू आएगी तो उसे पूछेगी बुढ़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा लच्छू संभाल रहा है क्या बोल रहे हैं भैया जी फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो समझे सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार कृपया ध्यान दें मेटल कोटेड सिंथेटिक या चाइनीज मांझे का उपयोग एक सेफ्टी हैजर्ड है इससे घातक चोट लगने का खतरा है इसीलिए इसका प्रयोग ना करें और ना करने दें पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मेटालिक गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे का भंडारण बिक्री व खरीद दंडनीय अपराध है जिसमें 5 साल तक की कैद 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं आइए हम सब प्रण लें कि हम दिल्ली वासियों को इस जोखिम में नहीं डालेंगे सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल अथवा विक्रय नहीं करेंगे दिल्ली पुलिस की आंखें और कान बने और सिंथेटिक मांझे की बिक्री या उपयोग की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को तुरंत 112 पर करें हिम्मत है मेरे पास
पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान, G20 के नेतृत्व का सम्मान, हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर। युवा शक्ति देवो भवः, युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ। 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भरते G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग। दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़। अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग आइए बनाए वसुधैव कुटुम्बकम। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो आकाशवाणी दिल्ली ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। प्रोग्राम का नाम है कलाकार बेमिसाल और आज बातें हो रही हैं गायिका आरती मुखर्जी की। आरती मुखर्जी ने सबसे पहले संगीत अपनी माता जी से सीखा। उनका परिवार संगीत प्रेमी था और उन्हें घर में पूरा सहयोग मिला संगीत सीखने में। उन्हें संगीत की शिक्षा कई जाने माने संगीतकारों से मिली। आरती ने संगीतकार सुशील बैनर्जी से, उस्ताद मोहम्मद सगीरुद्दीन खान से, पंडित चिन्मय लाहिड़ी से और पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले और इसके अलावा पंडित रमेश नंदकर्णी से संगीत सीखा। हुस्न है जा जा रहा है
क्यों न मिलने की कोशिशें कर लें, पूरे तन मन की आरती ने 14 साल की उम्र में एक ऑल इंडिया लेवल के म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में भाग लिया था, जहां से उन्हें बहुत बड़ी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने म्यूजिक कॉन्टेस्ट जीता, एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट था ये, और इस प्रतियोगिता में जाने माने संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, सी रामचंद्र और वसंत देसाई जैसे संगीतकार जज थे। जल्द ही इनकी नजरें आरती पर पड़ी और आरती को अपना पहला ब्रेक मिला। अब जरा सोचिए, आरती लता मंगेशकर बनना चाहती थी और उन्हें अपनी जिंदगी में जो पहली बार गाने का मौका मिला हिंदी फिल्मों में, वो लता मंगेशकर के साथ ही मिला। अटकन मटकन दही चटोकन धम्मड़ गुस्सा ठूंठ से गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना, तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया। बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के। बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के। तोता नचाए नैना सीटी बजाए मैना, नखरे दिखाए रे कमाल के। बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के।
हिंदी फिल्मों में आरती की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, लेकिन बांग्ला संगीत में वे लगातार आगे बढ़ रही थी। उस जमाने में बांग्ला गायिका संध्या मुखर्जी का बोलबाला था, लेकिन जल्द ही श्रोताओं को आरती की आवाज से प्यार हो गया। 60 के दशक में आरती बंगाल की सबसे कामयाब अभिनेत्री सुचित्रा सेन की आवाज बन गई। आरती मुखर्जी ने अपने करियर में 15,000 से ज्यादा गाने गाए, जिनमें से अधिकतर बंगाली थे। 60 के दशक से 80 के दशक तक वे लगभग हर बंगाली अभिनेत्री की आवाज थी। इधर धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में भी कुछ चुनिंदा गानों के साथ उन्होंने पहचान बना ली थी। 70 और 80 के दशक में उन्हें कई बेहतरीन फिल्मों में कई बेहतरीन गाने गाने का मौका मिला, जिनमें से एक फिल्म थी मासूम। इसका गाना बस अभी चाहूंगी सुनाना, आप कहीं ना जाना, सुनते रहना FM गोल्ड। जो नैना
1983 में आई थी फिल्म मासूम, इसमें साथ नजर आए नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी, जुगल हंसराज, आराधना और उर्मिला मातोंडकर इसमें बाल कलाकार थे। ये फिल्म क्लासिक मानी जाती है। इसके गाने, संगीत, कहानी सब कुछ बेहतरीन था और इसके लिए आरती को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट सिंगर फीमेल कैटेगरी में। तो ये थी कहानी आज आरती मुखर्जी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाए। कहाँ? fmgoldairdelhi@gmail.com पर, यानी नए जमाने के लेटर बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए एक और गाना आरती मुखर्जी का गाया। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर वक्त हो चला है समाचारों का। मिलूंगी आपसे 1:10 पर, घर आंगन।